कुछ ऐसे बेहतरीन फ्रेंच एडल्ट एरोटिक मूवीज के बारे में आज की इस कंटेंट में आप देखने वाले हैं, जो कि एज यूजुअल अलग अलग सालों में रिलीज हुई थी, लेकिन काफी इंटरेस्टिंग और बोल्ड मूवीज आज की इस कंटेंट में शामिल है, जिसमें से कुछ आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पर या फिर डाउनलोड करके। इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी जो कि 1960s की दुनिया में लेके जाती है, जहाँ दिखाया जाता है एक औरत के बारे में जिसका नाम है मैडम क्लॉड, जो एक ब्रोथल हाउस चलाती है जिसके अंदर 300 से ज्यादा लड़कियां हैं, जिसके क्लाइंट्स बहुत ही पावरफुल लोग होते हैं, फ्रेंच पॉलिटिशियन से लेकर अंडरवर्ल्ड के लोग। इन सब का इस्तेमाल अपनी लड़कियों को बेचकर करती है, साथ ही साथ वो भी एक पावरफुल औरत बन जाती है। लेकिन कुछ साल के बाद एक लड़की को हायर करती है जिसका नाम है सिडोन, जिसके आने के बाद उसका बिजनेस और बढ़ जाता है। लेकिन धीरे धीरे मैडम क्लॉड की जिंदगी बर्बाद होने लगती है, उसका ये बिजनेस चौपटने लगता है और सिडोन आगे बढ़ने लगती है। क्या होता है अंत में मैडम क्लॉड के साथ, देख सकते हैं इस पूरी मूवी के अंदर, जहाँ आपको सीन्स और कहानी बहुत बेहतरीन देखने को मिल जाएगी। यह मूवी है मैडम क्लॉड, जो कि 2021 में रिलीज हुई थी, जिसकी ड्यूरेशन है 1 घंटा 45 मिनट के आसपास। मूवी हिंदी में आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.4। कहानी वर्ल्ड वॉर 1 के समय में दिखाया जाता है, जहां ज्यादातर मर्द वॉर लड़ने के लिए चले गए थे और औरतें घर पे रहा करती थी। यहां दिखाया जाता है रॉजर के बारे में, जो 16 साल का होता है और अपने स्कूल समर वेकेशन के दौरान वो घर वापस आता है। ये घर नहीं बल्कि एक मैंशन होता है और बहुत अमीर होता है, और यहाँ आने के बाद रॉजर देखता है यहाँ बहुत सारी लड़कियां, जिसे देखने के बाद उसका अर्जेस बढ़ जाता है और वो अपना वर्जिनिटी लूज करना चाहता है। अपने घर में नौकरानियों से लेकर अपने बुआ तक सबके साथ वो मजे करता है, जिसका नतीजा मूवी के अंत में दिखाया जाता है। ये मूवी काफी पॉपुलर रही है और इसका एक्सप्लेनेशन बहुत सारा आपको यूट्यूब चैनल में देखने को मिल जाएगा। और ये मूवी है व्हाट एवरी फ्रेंच वुमन वांट्स, जो कि 1986 में रिलीज हुई थी, जिसे सिर्फ और सिर्फ आप डाउनलोड करके देख सकते हैं इंग्लिश सबटाइटल के साथ। मूवी की ड्यूरेशन 1 घंटा 35 मिनट के आसपास। मूवी की IMDb रेटिंग है 5.6। कहानी में नीना को दिखाया जाता है, जो एक डॉक्टर होती है और हाल ही में अपने बड़े बेटे को खोकर वो पूरी तरह से डिप्रेशन में चली जाती है, जहाँ उसके छोटे बेटे डान अपनी माँ को संभाल रहा होता है। एक दिन दोनों मॉल में जाते हैं, जहाँ गाड़ी पार्क करने के दौरान एक लड़के को ठोक देता है जिसका नाम है राजा, और नीना को यह देखकर दुख होता है। वो उसे अपने घर में लेके आता है, उसका ट्रीटमेंट करने के बाद उसे अपने घर में रख लेता है, जिसे देखने के बाद नीना को ऐसा लगता है कि उसके आने के बाद उसका परिवार पूरा हो चुका है। लेकिन धीरे धीरे डान को पता चलता है राजा के ऐसे गलत हरकतों के बारे में, जिसके बहुत सारे राज निकाल लेता है, जिसके बाद डान एक ऐसा कदम उठाता है जिसके बाद उसे पछताना पड़ता है। लेकिन किस लिए, सारा ट्विस्ट जान सकते हैं इस मूवी के अंदर, जो कि अंत में बहुत कुछ बदल जाता है। इस मूवी के अंदर बहुत सारे ऐसे ब्रूटल और बोल्ड सीन्स दिखाए गए, जो कि इस मूवी को पूरी तरह से 18 प्लस बनाती है। ये मूवी है बस्टर, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी, जिसकी ड्यूरेशन है 1 घंटा 45 मिनट के आसपास, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड करके ही देख सकते हैं इंग्लिश सबटाइटल के साथ। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.9। कहानी में मर्फी को दिखाया जाता है, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट होता है, लेकिन उसे पढ़ाई वढ़ाई में मन नहीं लगता है और वो दो अलग अलग लड़की इलेक्ट्रा और ओमी के साथ रिलेशनशिप में जुड़ जाता है, जहां वो दोनों के साथ वाइल्ड मोमेंट्स और ड्रग अब्यूज के साथ उसकी जिंदगी बहुत ही अच्छा कट रहा होता है। लेकिन कुछ महीने के बाद मर्फी को पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है और ओमी से उसका बच्चा होने वाला है, जिसे वो नकार नहीं सकता क्योंकि यूरोप में अबॉर्शन बैन है, जिसके बाद वो पूरी तरह से डिप्रेस हो जाता है क्योंकि वो एक अनचाहा बच्चे को बड़ा कर रहा है। लेकिन वो अपनी जिंदगी में इलेक्ट्रा को चाहता था और इलेक्ट्रा को पता चलती है उसके साथ ब्रेकअप करके गई भाग जाती है। कई महीने बीत जाते हैं, जब इलेक्ट्रा के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है उसका कहीं पता नहीं चलता। आखिर क्या होता है इलेक्ट्रा के साथ, जान सकते हैं इस पूरी मूवी के अंदर, जहाँ इस मूवी के अंदर सब कुछ खुल्लम खुला दिखाया गया है। अगर आपको इस तरह का मूवी देखना पसंद है तो आप अपने रिस्क में देख सकते हैं। ये मूवी है लव, जो कि 2015 में रिलीज हुई थी, जिसका ड्यूरेशन है 1 घंटा 50 मिनट के आसपास, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में देख सकते हैं डाउनलोड करके। मूवी का IMDb रेटिंग है 6.1। एक एरोटिक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी, जहाँ कहानी में दिखाया जाता है एरिका के बारे में, जो कि एक फेमस पियानो प्रोफेसर होती है और बहुत सारे बच्चों को पियानो सिखाती है अपने इंस्टीट्यूट और अपने घर में, लेकिन वो इतना स्ट्रिक्ट होती है जिससे बच्चे सीखने के लिए उससे डरता है, जहाँ एरिका सिखाने में कोई भी इमोशंस नहीं दिखाती है। अपने पर्सनल लाइफ में एरिका पूरी तरह से डिप्रेस होती है, वो बस अपने एक बीमार माँ के साथ रहती है और इसके अलावा उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता, और अंदर ही अंदर अपने अर्ज की वजह से डिप्रेस रहती है। तभी एक कॉन्सर्ट में वो एक लड़के से मिलता है जिसका नाम है वॉल्टर, जो उसके पियानो से इंप्रेस होकर उसे सीखना चाहता है, जिसके बाद वो एरिका से सीखने लगता है और धीरे धीरे दोनों के बीच रिलेशनशिप बन जाता है, जहां वॉल्टर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ना चाहता है। लेकिन फिर वॉल्टर को पता चलता है एरिका के ऐसे फैंटेसीज के बारे में, जिसे जाने के बाद उसके तोते उड़ जाते हैं। ऐसे वाइल्ड फैंटेसीज के बारे में वॉल्टर का क्या डिसीजन होता है और इसके साथ दोनों का रिलेशनशिप आगे जाके क्या मोड़ लेती है, जान सकते हैं इस पूरी मूवी के अंदर, जहां आपको बहुत सारे फैंटेसीज का स्वाद मिलने वाला है। यह मूवी है द पियानो टीचर, जो कि 2001 में रिलीज हुई थी, जिसके ड्यूरेशन है 2 घंटे पार, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड करके देख सकते हैं इंग्लिश सबटाइटल के साथ। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 7.5।
आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको जरा से भी पसंद आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के वीडियो अलग अलग टॉपिक्स पर लाते रहते हैं हर हफ्ते। अब मैं सीधा मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग। Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be yet, but I know that I'ma make it if I chase that check. Yes.